आरसीडी नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा के हाल ही में महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए उन्होंने एक ऐसी कविता सुना दी जिस पर बवाल मच गया। समाज में विद्वेष फैलाने वाले इस तरह के बयान को लेकर मुखर रहने वाले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि यह कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है। आपको लगता है कि आरसीडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा और पता ही नहीं चलेगा? दरअसल सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितने दिन मंत्रालय में रहे? उन्होंने ऐसा कहा कि सुधाकर सिंह जब बयान दिए तो वह कितने दिन मंत्रालय में रहे। वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना ही पड़ा ना। यह दलगत मामला है या दल वाले ही उनसे कहलवाते हैं? और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए, नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप उल जुलूल अनर्गल बातें पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं के कहने पर कहे, यह सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए कि समाज में विद्वेष पड़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा, लड़ाई, वाद विवाद हो और पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और उसी विषय को लेकर वह बोलते रहे। मूल विषय जो है वो सिर्फ पढ़ाई का है, विकास का है, रोजगार का है, वो चला जाए हाशिए पर, तो अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देनी चाहिए। सबसे पहले खुद मानना चाहिए, फिर उन पर कार्रवाई नहीं होती है। या खुद ही यह लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अग्रा पिछड़ा हो, और उस पर यह लोग रोटी सेकते रहें और राजनीति वो सभी लोग मिलकर करते रहें। अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति की। उनके लिए अच्छा है भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो की ही नहीं है। ना इनके बाबूजी ने किया है, ना इनकी माताजी ने किया है, ना ही इन्होंने खुद की है। अब नसीहत दे रहे हैं तो मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलो अब लालू के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है लेकिन बात तो कर सकते हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए तो यह काफी अच्छी बात है। देखिए इस रिपोर्ट में आगे क्या कुछ कह रहे प्रशांत किशोर। ये कैसे संभव है कि उनका मंत्री बयान दे रहा है और तेजस्वी यादव को पता नहीं है? आपको लगता है कि आरजेडी में कोई मंत्री बार बार बयान दे देगा? सुधाकर सिंह ने बयान दिया तो कितना दिन मंत्रालय में रहे? वो जगदानंद सिंह के लड़के हैं, इसके बावजूद उनको पद छोड़ना पड़ा। ये दलगत मामला है, दल वाले ही इनसे कहलवाते हैं और जहां तक उस विषय को कहना चाहिए कि नहीं तो कोई भी आदमी बता सकता है कि भाई आप बजाय इसके कि उलूल जलूल अनर्गल बात पार्टी के कहने पर, पार्टी के नेताओं पर के कहने पर, ये सब पार्टी वाले कराते हैं कि आप बयान दीजिए ताकि समाज में विद्वेष बढ़े, आपस में मारपीट हो, आपस में झगड़ा लड़ाई हो, वाद विवाद हो, पत्रकार भी उसी में पड़ जाए और मूल विषय जो है पढ़ाई का, रोजगार का, विकास का, वो कहीं चला जाए हाशिए पर। को अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को भी सलाह देना चाहिए और सबसे पहले अपने मानना चाहिए, और फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। खुद ही ये लोग बयान दिलवाते हैं ताकि समाज में आपस में पोलराइजेशन हो, हिंदू मुस्लिम हो, अगड़ा पिछड़ा हो, और उसी पर रोटी सेकते हैं, उसी पर राजनीति करते हैं। और अब बात कर रहे हैं सकारात्मक राजनीति का, तो उनके लिए अच्छा है भगवान उनको सद्बुद्धि दें, क्योंकि ये लोग जीवन में कभी सकारात्मक राजनीति तो किए नहीं है, ना इनके बाबूजी ने किया, ना माताजी ने किया, ना ये खुद करते हैं। तो मीडिया को नसीहत दे रहे हैं तो इसलिए मीडिया को खुशी होनी चाहिए कि भाई चलिए अब लालू जी के लड़के सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं। कर तो सकते नहीं है लेकिन कम से कम बात तो कर रहे हैं, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। नए लड़के हैं, अगर इनके समझ में आए कि राजनीतिक सकारात्मक ही होनी चाहिए तो अच्छी बात है।